विश्व स्तर के तिब्बत के विषयों को लेकर सदैवी जो सर्वदलीय तिब्बत समर्थक का अधिवेशन पहला जो है वो 1994 में भारत में हुआ है, और उस समय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अनेक लोगों की योगदान से नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। और उसके बाद फिर दूसरा जो है लिथुआनिया में हुआ है, तीसरा वाशिंगटन डीसी में हुआ है, और चौथा जो है वो एडिनबर्ग में हुआ है, पांचवा जो रोम में हुआ है, और छठवा जो है वो 2012 में कनाडा में हुआ है। तो इस बार जो सातवां जो विश्व संसदीय सर्वदलीय संसदीय तिब्बत समर्था का 4 दिन के अधिवेशन जो है वो यूरोप के लातवीय रेखा में अधिवेशन पिछले 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का आयोजन हुआ है। और उस आयोजन में तिब्बत के विषय को लेकर अनेक देशों से सर्वदलीय तिब्बत समर्थक का वहाँ संसदीय लोगों ने अपना तिब्बत के विषय को लेकर समर्थन जताते हुए वहाँ प्रस्ताव भी पारित किया है, और विशेषकर एक डिक्लेरेशन रीका डिक्लेरेशन भी वहाँ सम्मेलन के पश्चात तिब्बत के विषय को लेकर किस तरह चिंता कर रहे हैं और किस तरह समर्थन करना है, और चीन सरकार की जो अपनाए हुए तिब्बत की जो है उस पर विरुद्ध के विचार कैसे अभिव्यक्त करना है। तो ये चीज़ जो है वो सातवीं अधिवेशन पिछले 10 तारीख को समाप्त हुआ है। तो उसमें विशेष मुख्य जो है सर्वदलीय विश्व तिब्बत संसदीय साध्वी ये अधिवेशन में सबसे पहले तो तिब्बत की पर्यावरण पर चिंता किया है, क्योंकि तिब्बत के पर्यावरण जो है केवल तिब्बत वासियों के लिए नहीं परंतु तिब्बत को चीन के कब्जे में जाने के बाद ये संपूर्ण एशिया और विश्व के लिए खतरा पड़ा है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश पड़ोसी देशों के लिए तो और एक विशेष करके उनके लिए खतरा है। तो इसलिए सर्वदलीय तिब्बत समर्थकों का एक अनुरोध है कि परम पूज्य को कि तिब्बत के पर्यावरण जो है एक बहुत ही एक जटिल और समस्या है, ये विश्व भर में एक परम पूज्य दलाई लामा जी के माध्यम से विश्वव्यापक के माध्यम से एक ऐसा परम पूज्य दलाई लामा जी अभिव्यक्त कर सके। दूसरा जो है तिब्बत के विषय को लेकर सभी अपनी संसदों में तिब्बत समर्थन के लिए प्रस्ताव प्रेरित करना, तिब्बत की संस्कृति का संरक्षण, तिब्बत की भाषा को संरक्षण, मानवाधिकार के वहाँ उल्लंघन हो रहा है चीन सरकार की ओर से, उस पर भी चिंतनजनक किया है। और तीसरा जो है मुख्य उद्देश्य जो है तिब्बत की समस्या चीन सरकार और दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के सामूहिक एक समस्या का समाधान वो एक महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर चीन सरकार को गौर देना चाहिए, चीन सरकार को अपनाना चाहिए, और ये विश्व भर में सर्वदलीय तिब्बत समर्थकों की ओर का एक चिंतन अभिव्यक्त किया है। और बाकी एक अन्य एक विषय यह है कि चीन सरकार एक दलाई लामा जी और तिब्बत के जो परंपरा जो है अवतार के जो हमारे रूप में दलाई लामा जी के अवतार का और अन्य के टुलकू जो अवतार जो है उस पर चीन सरकार हस्तक्षेप कर रहा है। तो उस अधिवेशन में सर्वदलीय तिब्बत समर्थकों ने चीन सरकार के जो अपनी ओर से एक कम्युनिस्ट शासन होने के नाते भी उस पर जो अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं उस पर विरोध किया है और कंडम किया है। और अनेक रूप से सर्वदलीय तिब्बत समर्थक तिब्बत में जाने का ऐसा तिब्बत की वास्तविकता को वहाँ जानने के लिए कोशिश करेंगे ऐसा भी प्रस्ताव प्रेरित किया है। और अधिक से अधिक देशों में सर्वदलीय तिब्बत समर्थक संगठित हो, यहाँ से हमारे भारत से भी पिछले प्रथम अधिवेशन से लेकर आज तक के अधिवेशन में भारत के संसदीय का हमेशा भागीदारी भी रहा है, सहयोग भी रहा है, और नेपाल से भी और रशिया से भी और ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से और यूके से, स्कॉटलैंड से और अनेक देशों के वहाँ ताइवान से लेकर तमाम प्रतिनिधियों ने इस बार भी भाग लिया है। और
तीन दिन के लिए चिंतन किया है और साथ साथ उस अधिवेशन में विशेषज्ञों को बुलाया गया है. विशेषज्ञों को अमेरिका की तिब्बत का तिब्बत पर पॉलिसी क्या है, नीति क्या है, और यूरोप का तिब्बत की संघर्ष को लेकर नीति कैसा है, भारत और एशिया की तिब्बत के विषय को लेकर तिब्बत की समस्याओं के समाधान को लेकर नीति क्या है, तिब्बत के पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, चीन और तिब्बत का संबंध कैसा है ऐतिहासिक, तो उस पर भी अनेक विशेषज्ञों ने भी अपना अभिव्यक्त किया है. तो इसलिए पिछले 60 वर्ष में दलाई लामा जी और अनेक तिब्बती यहाँ निवासन में रह रहे हैं. तो तिब्बत में तो अभी 40 लाख के करीब तो तिब्बत में है, तो उसके समस्या का समाधान के लिए विश्व का सर्वदलीय तिब्बत समर्थक का अधिवेशन वहाँ रीका और लाथिविया में आयोजन, वहाँ लाथिवियन के पार्लियामेंट संसदीयों की ओर से और हमारे सर्वदलीय तिब्बत समर्थन के संगठन की ओर से और निवासित तिब्बत के संसद की ओर से आयोजित किया गया है. मैं आज ही वहाँ से पहुँचा हूँ. तो इस अधिवेशन का जो हमारे प्रेस विज्ञापन भी है, तो यहाँ भी भारत के महान लोगों को अपनी तिब्बत की समस्या वैसे जानते हैं, लेकिन विश्व के सहयोग समर्थन कैसा है उस मध्यस्थता को रखते हुए यहाँ आज आपके माध्यम ये जो अधिवेशन में क्या क्या चर्चा हुआ है और आने वाले वर्षों में किस तरह सभी संस्थाओं के ओर से किस तरह आगे प्रस्ताव और जो विचार जो रखा है आगे निरंतर तिब्बत की समस्या का समाधान के एक स्वरूप बनने के लिए ये चर्चा किया है, वो यहाँ आप लोगों के जो माध्यम की सर, भारत सरकार से ये निवेदन है, क्योंकि पिछले 60 वर्ष से लेकर हम यहाँ आर्य भूमि भारत में रह रहे हैं. परम पूज्य दलाई लामा जी से लेकर निवासित जो सरकार भी धर्मशाला में है, बड़ी योगदान है, बहुत ही कृतज्ञ किया है, और शिक्षा और हर सुविधा जो है प्रदान किया है. लेकिन राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जब तिब्बत स्वतंत्र था तो भारत और तिब्बत का सीमान था, चीन का सीमान नहीं था. जब तिब्बत को चीन के कब्जे में जाने के बाद आज भारत को भी चीन का खतरा है. दोगलम जैसा कभी कभी नाथोला में, कभी चुशुल में, कभी अरुणाचल प्रदेश में. तो इसलिए एक ठोस कदम भारत सरकार के और भारत के नीति में तिब्बत की समस्या जो है मध्यस्थल जो है वो भारत ही कर सकता है, भारत सरकार ही कर सकता है. तो इसलिए 60 वर्ष हम हो चुके हैं, 60 वर्ष के अंदर काफ़ी सहयोग मिला है, लेकिन वास्तविकता जो है तिब्बत की समस्या का समाधान के लिए एक मध्यस्था तल करते हुए समस्या का समाधान के लिए चीन सरकार के नेतृत्व करने वालों को ये समझा सके कि बता सके कि दलाई लामा जी के प्रतिनिधि और चीन सरकार के प्रतिनिधि की सामूहिक तिब्बत के समस्या का समाधान हो और परम पूज्य दलाई लामा जी और जो निवासित में जो रह रहे तिब्बती हम अपनी मातृभूमि में वापस जा सके. और हम स्वतंत्र नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार भी जानते हैं, विश्व लोग भी जानते हैं, चीन सरकार भी जानते हैं कि हम मध्यम मार्ग के माध्यम से तिब्बत का एक स्वायत्तता का मांग कर रहा है. तो आपके प्रधानमंत्री, अतीत प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री सभी लोग जानते हैं और विदेश मंत्री भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि तिब्बत एक अलग सा हम स्वतंत्र नहीं मांग कर रहे हैं, चीन सरकार भी जानते हैं. तो इसलिए इस समाधान के लिए मध्यस्थल करते हुए, मध्यम के मध्यम मार्ग को मध्यस्थल करते हुए भारत सरकार एक ठोस सहयोग और समर्थन मिले ताकि समस्या का समाधान हो. क्योंकि जो समर्थन कर रहा है विश्व भर के, वो सत्य का समर्थन कर रहा है. क्योंकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, तिब्बत चीन के कब्जे में नहीं था, तिब्बत जो ना अंग्रेजी के कब्जे में भी नहीं गया था. तो इसलिए तिब्बत एक विश्व के सर्वोच्च स्थान है, उसी में है. लेकिन 21वीं शताब्दी के शुरू में, 20वीं शताब्दी के अंत में चीन कम्युनिस्ट शासक के माध्यम से तिब्बत को कब्जा किया है. तो इसलिए वास्तविकता को जानते हुए, तिब्बत के इतिहास को जानते हुए
तिब्बत की संस्कृति को जानते हुए, क्योंकि तिब्बत एक बहुत देश का है, बहुत तथागत बुद्ध के उपदेश को अपनाने वाले शांतिपूर्वक देश है, तो इसलिए शांतिपूर्वक और सत्य को समर्थन दे रहा है। इसलिए चाइना सरकार को सत्य के सहयोग होने के नाते चीन सरकार को अपने आप में दबाव पड़ रहा है, लेकिन दबाव पड़ रहा है। चीन भी सरकार ने भी कहा था कि नेते डेंग शाओपिंग ने कहा था कि स्वतंत्र को छोड़ के बाकी हम समस्या का समाधान करेंगे, और आज विश्व के लोग तिब्बत के लिए खड़े हैं, शांति और पूर्वक जो समस्या का जो समाधान खोज रहा है। तो इसलिए ये हम हमारे लिए प्रेरणा है, हम स्वागत करते हैं और अधिक सहयोग चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं जी। मैं चूंकि 1959 से लेकर परम पूज्य दलाई लामा जी के सामूहिक 140,000 इस मातृभूमि में निवासित होते हुए, और भारत और नेपाल और आज पूरे विश्व में तिब्बती जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, भारत सरकार के योगदान सहयोग आज तक 60 वर्ष में सहयोग मिला है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और व्यवसाय में, लेकिन राजनीतिक सहयोग भी मिला है। आने वाले सरकार भी निरंतर जो सरकार ने योगदान दिया है उसके अनुसार हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, अनुरोध करते हैं, और विशेष का हम आशा करते हैं, क्योंकि आज चीन अपने आप में दादागिरी कर रहा है पूरे विश्व में, और मैं भारत को स्वागत करता हूँ, क्योंकि चीन के जो नीति अपनाया था वन बेल्ट वन रोड, वो भारत सरकार ने मंजूर नहीं किया। बहुत ही एक हम भारत सरकार की जो नीति जो है उसको प्रशंसा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो इसलिए चीन के सामने ना झुकना, ना चीन से के साथ ना घबराना जो है, वो कोई अपने आप में भारत सरकार एक ठोस कदम कर रहा है। तो इसलिए तिब्बत के विषय को लेकर भी हमें पूरा आशा है, क्योंकि भारत से ही बौद्ध धर्म तिब्बत में आया है, तिब्बत की भाषा और लिपि भी संस्कृत और भारत से आया है, और इसलिए दोनों का एक अलग सा अटूट इतिहास संबंध है। तो इसलिए परम पूज्य दलाई लामा जी भी बराबर आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं, और हम सब यही अनुरोध करते हैं कि आने वाले सरकार, जो भी सरकार आए, हमारा आशा तो वही रहेगा कि तिब्बत का समस्या का समाधान जो है अंतिम जो है वो केवल आर्य भूमि भारत के सरकार ही कर पाएंगे, बाकी विश्व का सहयोग तो होना ही होना आवश्यकता है।